Derivatives are a crucial topic in Class 11 CBSE IIT Mathematics and Maharashtra State Board syllabus. They form the foundation for higher-level calculus concepts and are essential for real-life applications in various fields of science and engineering. Concepts such as rates of change, slopes, optimization, and tangents play an important role in understanding derivatives. Ignited Minds Tutorials has created informative and engaging video content on the topic of derivatives. These video uploads on YouTube aim to provide students with a more interactive learning experience and a better understanding of the subject matter. These videos can help students grasp difficult concepts like product rule, quotient rule, and chain rule with ease. By focusing on derivatives in class, students can prepare for IIT JEE and other entrance examinations. Additionally, astute knowledge of derivatives can be helpful when pursuing degrees in engineering, economics, physics, and other fields where calculus concepts are critical. Understanding the concept of derivatives is essential for scoring well on board examinations and achieving success later in life. Therefore, students should take this opportunity to learn from various resources to master the subject, including attending online classes, practicing problems regularly, and working collaboratively with peers. इधर दोनों भी इधर इधर एकदम कोपचे में बैठ रहेंगे। चलो ओके यहाँ पे भाई साहब क्या करेंगे हम डेरिवेशंस ऑफ इनवर्स फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे देखो यहाँ पे। जैसे है आपका पहली बात तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, तो अगर हम लिखते हैं भाई साहब साइन थीटा is equal to let's say alpha, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे theta is equal to sine inverse of alpha, that is called inverse function. तो समझ लो हमने यहाँ पे लिखा भाई साहब sine 30 degrees is equal to भाई साहब यहाँ पे लिखा जैसे हमने यहाँ पे that is 1/2 या sine हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या π/6 is equal to 1/2, तो π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी sine inverse of half, that is called inverse function. ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन में हम यहाँ पे क्या पढ़ने जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं इनका डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है आपका 1/√(1 − x²), डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये होता है भाई साहब −1/√(1 − x²), डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√(1 + x²). ठीक है, अभी इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई साहब, लेट से आपने यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिया। ठीक है, क्लियर है, जगह नहीं होगी भाई साहब। तो हमने यहाँ पे लेट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन वाई लिख सकते हैं कि नहीं, साइन वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ओके मुझे बताओ यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई कितना हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, कॉस वाई या आप इसको ऐसे कर ले, देखो अगर हम यहाँ पे इसको अगर हमने भाई साहब ऐसा किया यहाँ पे, ठीक है, डी बाई डी वाई डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका डी एक्स बाई डी वाई, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, कॉस वाई इज इक्वल टू डी एक्स, करना क्या चाहते हो, डी एक्स बाई डी वाई, तो आपका भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स लिया तो ये हो जाएगा 1/cos y, है कि नहीं, कॉस वाई, ये डी वाई इधर आया, ये डी एक्स इधर आया, कॉस वाई इधर आया, 1/cos y, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 1/, ऐसा लिख सकते हैं 1 − sin²y, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, क्योंकि आपको मालूम है sin²y + cos²y = 1 होता है। ठीक है,
कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो भाई साहब कॉस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्लियर है, आप ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। और आपने साइन वाई को क्या मान रखा है, एक्स, तो आपका कितना हो गया बोलो यहाँ पे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका इसका मतलब y अगर क्या है, साइन इनवर्स x है, तो इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझा, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं cos वाले में, तो cos का कितना है बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x गिव्स यू हाउ मच, माइनस वन, 1 माई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन हम मान लेंगे भाई साहब y इज इक्वल टू क्या, जीवन यहाँ पे ये बेटा, ठीक है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, cos y इज इक्वल टू x, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा भाई साहब ये, this will, sorry, with respect to y, I am so sorry, so this will be dx by dy, ये कितना हो जाएगा बोलो, d by dy of cos y, और हमको मालूम है d by dx of cos x कितना होता है, minus sin x होता है, ठीक है, so this will be minus sin y is equal to dx by dy, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to minus 1 upon sin y, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब भाई साहब कॉस स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, तो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स का स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम। लास्टली आपका रहता है भाई साहब क्या, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो अगर भाई साहब यहाँ पे करना है क्या, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये आपको मिलता है क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे ही होगा भाई साहब, लेट से हमने y इज इक्वल टू tan इनवर्स x मान लिया, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका tan y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा भाई साहब, tan y इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y, ये कितना हो जाएगा बोलो, d बाई डी वाई ऑफ tan y इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई, डी बाई डी वाई ऑफ tan y ये कितना हो गया, sec स्क्वायर y, दैट विल बी डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। डी बाई डी ऑफ टैन वाई विल बी sec स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई sec स्क्वायर वाई, डी वाई बाई डी एक्स भाई साहब कितना हो जाएगा, 1 बाई sec स्क्वायर वाई हो जाएगा ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके। तो इस sec स्क्वायर वाई को आप क्या लिख सकते हैं बोलो, देखो आपको मालूम है कि sec स्क्वायर वाई क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई होता है, ठीक है। आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं हम, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसके हिसाब से भाई साहब क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर वाई, आपने देखो tan y को क्या ही मान रखा है, x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, तो दिस विल बी 1 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे y आपकी क्या थी, tan इनवर्स ऑफ x, तो इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, बच्चा पार्टी क्या जनरेट कर रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हम पीपल, हम बहुत बढ़िया हम भाई साहब, बहुत बढ़िया हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इग्नोमेट्रिक और भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन हैं, आपके sec इनवर्स का भी है, सो वी विल सी दैट, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन f इज इक्वल टू ए बी है, ये सब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं भाई साहब आपको, ठीक है। तो आपका भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स, कौन से फॉर्मेट से हम इसको बेसिकली प्रूव कर रहे हैं, 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। तो आपका भाई साहब साइन इनवर्स वर्क x इज डिफरेंशिएबल एट x, अभी देखो साइन का रेंज क्या होता है, माइनस वन से भाई साहब वन तक, ठीक है। तो x का रेंज भाई साहब माइनस वन से वन तक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
cos इनवर्स x इज डिफरेंशिएबल एट x, इसका रेंज क्या होगा? माइनस वन से वन तक, तो अगेन dy by dx of cos inverse x will be equal to minus 1 upon 1 minus x square. ठीक है, tan का भाई साहब क्या हो जाएगा रेंज? माइनस इन्फिनिटी से भाई साहब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे आपका रियल नंबर होना चाहिए. तो d by dx of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, cos inverse x को प्रूव करना है, माइनस 1 by 1 plus x square. चलिए फटाफट प्रूव करना है. हो गया डन भाई साहब, फटाफट सवाल है. ठीक है, यहां पे आपको क्या प्रूव करना है? d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x दैट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो आप यहां पे मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x. तो आपका भाई साहब यहां पे आप क्या मान सकते हैं? cot y इज इक्वल टू x मान सकते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to, ठीक है, with respect to भाई साहब differentiating both sides with respect to dy, ठीक है. तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? dx by dy, ठीक है, d by dy of cot y, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? cot y का कितना होता है? माइनस cosec square y. d by dy of cot theta is माइनस cosec square theta, है ना भाई साहब? ठीक है, तो माइनस cosec square y is equal to dx by dy, जिसको आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब? dy by dx, ये कितना हो जाएगा? माइनस वन अपॉन वन अपॉन cosec square y. और cosec square y को हम क्या लिख सकते हैं? cosec square theta is equal to वन plus cot square theta होता है, तो वन plus cot square y is equal to dx by dy. ठीक है, तो दिस विल बी वन अपॉन, अभी आपने cot y को क्या मान रखा है? cot y को आपने x मान रखा है, तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई, दैट इज डी बाई डी वाई ऑफ कॉट वाई. सॉरी, यहाँ पे भाई साहब हमने क्या कर दिया? डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई, ठीक है, डी बाई डी वाई ऑफ कॉट वाई. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कॉट वाई. क्लियर है? मतलब आपका यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी वाई ऑफ कॉट वाई. नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हुआ है भाई साहब. आपका यहाँ पे है d by dx of cot inverse of x is equal to 1 upon minus 1 plus x का स्क्वायर. ये हमको प्रूव करना है. तो लेट, हमने माना y is equal to cot inverse of x. दैट वुड इम्प्लाई दैट cot y is equal to x. ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स With respect to y, ठीक है. तो आपका यहाँ पे हो जाएगा d by dy of cot y is equal to dx by dy, ठीक है. cot y का भाई साहब कितना होता है? d by d theta of cot theta. ये कितना होता है भाई साहब? d by d theta of cot theta होता है आपका minus cosec square theta, ठीक है. So that will be minus cosec square y is equal to dx by dy, ठीक है. तो अगर हमने dy by dx कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन अपॉन cosec स्क्वायर y, ठीक है. अभी cosec स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई साहब? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस cot स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी माइनस वन अपॉन वन प्लस
cot square theta is equal to dy by dx. So that will be how much? Minus 1 upon 1 plus cot square theta. 1 plus cot square theta मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 1 plus भाई साहब cot theta की value कितनी होती है? x. तो 1 plus x square is equal to dy by dx. So that will be d by dx of भाई साहब कितना? dy by dx मतलब आपका d by dy की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? cot inverse of x. तो d by dx of cot inverse of x ये कितना हो जाएगा? माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, चले जस्ट वन मोमेंट. ठीक है, सो दिस विल बी sec inverse of x. ठीक है, इज डिफरेंशिएबल भाई साहब जब आपका x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन और वन से इंफिनिटी तक हो. मतलब बेसिकली आपका माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक आएगा, क्योंकि माइनस वन और वन के बीच में वैल्यूज नहीं आएंगी. ठीक है, ओके. sec inverse of x भाई साहब ये हो जाएगा वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन. करने की कोशिश कीजिए इसको जरा. d by dx of sec inverse of x will be equal to 1 by mod x of x square minus 1. d by dx of sec inverse of x will be equal to 1 by mod of x into under root of x square minus 1. ठीक है, चलिए भाई साहब इसको देखो फटाफट. हो गया डन डन डन. टाइम पास चल रहा है तेरा और कुछ नहीं. d by dx of sec inverse of x. तो y को हमने क्या माना भाई साहब? sec inverse of x. let y is equal to sec inverse of x. तो यहां पे sec y is equal to x हो गया. Differentiating both sides. With respect to y, ठीक है. तो यहाँ पे dy of sec y is equal to dx by dy. तो ये कितना आ गया भाई साहब आपका? sec y tan y is equal to dx by dy. ठीक है, sec y tan y और ये हो गया आपका dx by dy. ठीक है, ओके. तो आप भाई साहब अगर करेंगे dy by dx तो कितना हो जाएगा बोलो? 1 बाई sec y tan y. ठीक है, sec y tan y. अभी देखो यहाँ पे sec square theta कितना होता है? होता है भाई साहब 1 प्लस tan square theta. तो मतलब आपका अगर मुझे यहाँ पे करना हो sec square theta minus 1 तो ये कितना हो जाएगा बोलो? tan square theta
तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? ये हो जाएगी भाई साहब अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। अभी ध्यान दो यहाँ पे tan y तुम्हारा पॉजिटिव है, देखो इसके दो वैल्यूज निकलेंगे, एक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। किसी को भी जब अंडर रूट करते हैं तो आप प्लस माइनस में आता है आंसर, लेकिन क्योंकि ये tan y आपका पॉजिटिव है तो इट हैज टू बी पॉजिटिव। मतलब कैसा हो जाएगा भाई साहब sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन बाई ये sec y की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, sec y की जगह पे आप भाई साहब x लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ x, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, sec स्क्वायर थीटा दैट इज x स्क्वायर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कितना भाई साहब y की जगह पे यहाँ पे हो गया sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वन अपॉन x मॉड, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए भाई साहब x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है? ये आ गया भाई साहब, ठीक है? नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि तू बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूँ तू क्या कर रहा है। तो ये सर 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 वाले ना मेरे को दिखाकर ये मत दिखा कि तू बहुत अटेंशन पे कर रहा है। नहीं समझा तो कल का वीडियो देख फिर बात कर। तेरे को यही लगता होगा ना कि मैं जब सवाल पूछता हूँ तो सर आप ऐसा बिहेव करते हो, लेकिन तेरे मेरा रीजन है व्हाई आई बिहेव दिस वे। तूने कल का वीडियो देखा तो कैसे समझ में आएगा क्या चल रहा है ये? और कल का वीडियो इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड किया ही नहीं, करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरे को, देखता ही नहीं है। कल क्यों एब्सेंट था? ऐसे ही मर्जी है ना। आई एम नॉट अ बेगर आउट हियर कि आप मेरे को बोलोगे चलो भाई साहब एक बार फिर से करके दिखाओ तो करो। आपकी तरफ से डेडिकेशन जीरो नहीं, नेगेटिव है। तो सिर्फ मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए तुमने इंटीग्रेटेड लिया है, पढ़ाई के नाम पे जीरो चल रहा है तुम्हारा, जीरो जीरो नहीं नेगेटिव चल रहा है भाई साहब, साफ बोल रहा हूं मैं, शक्ल पे लिखा है तुम्हारे। उधर घर वालों को उल्लू बना रहा है, इधर मेरे को बन रहा है खुद, और यही हकीकत है। इसको मैं चिल्ला कर बोलूं या सॉफ्टली बोलूं, हकीकत यही है। इन लोगों का भाई साहब पढ़ाई प्रेशर में हो जा रहा है, तेरा पढ़ाई जीरो चल रहा है भाई साहब, बता रहा हूँ, क्योंकि तेरा जो टाइम जाना चाहिए तेरे पढ़ाई में वो नहीं जा रहा है। इंटीग्रेटेड लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि डेडिकेटेडली आईआईटी के लिए प्रिपेयर करे। तू बता मेरे को कितने मॉड्यूल्स तूने सॉल्व किए होंगे? नहीं किया है तूने, मेरे को मालूम है ना, दूध का दूध दही का दही भाई साहब। कॉलेज नहीं जाना है, आलसी बना दिखाना है, इसलिए घर वालों को उल्लू बनाकर तुमने इंटीग्रेट ले लिया है ना, यही है ना हकीकत भाई साहब। कोई गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, एकदम आराम से बोल रहा हूँ, एकदम हकीकत बोल रहा हूँ आपको। इन लोगों की पढ़ाई धक्का मार के थोड़ी बहुत हो जा रही है, तेरी हाफ भी नहीं पहुँच रही जर्नी, 25% भी तेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, सिर्फ कैजुअल एटीट्यूड है और कुछ नहीं है। ये तुमको ज़्यादा दूर देखे नहीं जाएगा भाई साहब, अनलेस यू मेक सम सिग्निफिकेंट चेंजेस, यू गोइंग टू बी इन डीप शिट, आई एम टेलिंग यू, डिगिंग योर ओन ग्रेव। मैं तुम्हारे सवाल से ऑफेंडेड नहीं होता हूँ, मैं तुम्हारा अटेंशन लेवल जो है ना वो जीरो नहीं नेगेटिव है, और तुम्हारे तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है इसलिए मैं ऑफेंडेड होता हूँ। मैं अगर एक इंसान को ना यहाँ पे चार बार पूछेगा तो चार बार भी बताऊंगा मैं, लेकिन उसकी तरफ से एफर्ट होना चाहिए। तुमको यहाँ पे एंटरटेनमेंट का सेशन लगता है भाई, समझा समझा ये दिखता है मेरे को। तुम बताओ ना, तुम इंटीग्रेटेड कर रहे हो, कितने मॉड्यूल्स तुमने सॉल्व किए हैं? मैं तुमको टारगेट नहीं कर रहा हूँ यूसुफ, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुमको अंदाजा भी नहीं है तुम किस शिट में हो। इनका भाई साहब नैया पार हो जाएगी, तुम बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हो, बहुत बुरी तरह से, क्योंकि इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि तुम्हारा सुबह का जो 8-9 घंटे का टाइम है उसमें डेडिकेटेडली तुम आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, जिसमें तुमको तुम्हारा मॉड्यूल सॉल्विंग होगा, आईआईटी के क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीजें होंगी। हो रहा है वो? नहीं हो रहा है। सो यू आर ब्लफिंग, यू आर एब्सोल्युटली ब्लफिंग विथ योर स्टडीज। ये हाइपरबोलिक फंक्शन का है तुम्हारे पास, देखो साइन एच एस देखो कोर्स में है क्या, कोई यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक ही नहीं लाता है। हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं क्या? साइन एच एक्स, तुम्हारे एब्सेंटिज्म का कोई रीजन नहीं होता है। जब दिन दढ़ा है एब्सेंटिज्म लेते हो भाई साहब, जब मूड किया ग्रुप से निकल गया भाई साहब, गुस्सा दिखा रहे हो, क्या ये सर? कीप इट, कीप ऑल दीज नॉनसेंस टू योरसेल्फ, डोंट एक्सप्रेस दोज थिंग्स टू मी।
हाइपरबोलिक फंक्शन का है क्या भाई साहब? मुझे नहीं लगता हाइपरबोलिक फंक्शंस का होगा, बट फिर भी इनवर्स नहीं है, इनवर्स भी नहीं है। हाँ हाँ लेकिन इनवर्स तो होगा ना, ये इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं कराया स्कूल में, साइन इनवर्स एक्स वगैरह नहीं कराया। तुम्हारा बुक दिखाना है क्या? स्टेट बोर्ड का किसके पास बुक है क्या? ओए क्या कर रहा है तू? मैथ्स का है क्या? किसी के पास है? देखना इसमें है क्या। इनवर्स फंक्शन तो होगा यार, हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं होगा क्योंकि पिछले साल भी डिलीटेड था। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4/3, ठीक है, प्लस e रेज टू x माइनस साइन x। चलो फटाफट करना है भाई साहब। हो गया डन डन डन। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4/3 प्लस e रेज टू x माइनस साइन x। एक लाइन का सवाल है भाई साहब, dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx will be equal to d by dx of x रेज टू 4/3 प्लस d by dx of e रेज टू x माइनस d by dx of साइन x, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, x रेज टू n का कितना होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब 4/3 एक्स 4/3 माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, तो ये हो गया ई रेस टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कितना हो गया भाई साहब आपका कॉस एक्स, ठीक है। सो दैट विल बी 4/3 एक्स 4/3 4/3 माइनस थ्री, तो ये हो गया आपका एक्स 1/3 प्लस ई रेस टू एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हम? Are we clear on this one, people? ठीक है, चलो भाई साहब इसको करना है। y is equal to log x minus cosec x plus 5 raised to x minus 3 upon x raised to 3/2 है। हो गया डन डन डन। भाई साहब एक लाइन का सवाल है, ये सब सब फालतू सवाल है एकदम से। y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस 5 रेज टू एक्स माइनस 3 अपॉन x रेज टू 3/2, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स भाई साहब आपका कितना हो जाएगा?
दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव रेज टू एक्स माइनस थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, एक्स रेज टू माइनस थ्री बाई टू लिख सकते हो, इस थ्री को कर लिया बाहर, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे वन बाई एक्स रेज टू थ्री बाई टू था तो उसको क्या लिख सकते हो, एक्स रेज टू माइनस थ्री बाई टू, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना हो जाएगा बोलो, वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, अभी देखो यहाँ पे माइनस पहले से ही था और इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस, क्लियर हम पीपल हम, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स, तुम कभी स्पेक्स लगाती हो कभी नहीं लगाती हो क्या, अपने मर्जी के हिसाब से, ओके, फाइव एक्स तो ये कितना हो जाएगा, फाइव एक्स लॉग ए है कि नहीं भाई सर, फाइव एक्स लॉग फाइव, ठीक है, फाइव एक्स लॉग फाइव, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ए एक्स लॉग ए, ये लॉग ए आपका भाई साहब बेस ई में रहेगा, ठीक है, तो फाइव एक्स लॉग फाइव हो गया, ये हो गया आपका माइनस थ्री, इसका कर लो भाई साहब कितना हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस थ्री बाई टू एन एक्स एन माइनस वन, माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, तो माइनस थ्री बाई टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू, ये हो गया माइनस थ्री माइनस टू दैट विल बी माइनस फाइव बाई टू, तो ये हो गया आपका माइनस फाइव बाई टू, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, वन बाई एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस फाइव रेज टू एक्स लॉग ऑफ फाइव माइनस नाइन बाई टू एक्स रेज टू माइनस फाइव बाई टू, ठीक है, हाँ हाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस भाई साहब अच्छा हो गया प्लस, प्लस नाइन बाई टू एक्स रेज टू माइनस फाइव बाई टू, क्लियर हम क्लियर हम क्लियर हम पीपल हम, ओके, नहीं नहीं मैं बोल नहीं रहा हूँ पहनो, मैं बोल रहा हूँ मतलब जो लोग पहनते हैं वो रेगुलरली पहनते हैं, जो लोग नहीं पहनते वो नहीं पहनते, चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, अरे जीवन कुछ कर ले जीवन में भाई साहब, फटाफट करना है सवाल, दोनों आलसी एक साथ बैठे हुए हैं भाई साहब क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स कितना होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स फॉर्मूला है वो, यूसुफ की सोचती है शादी, शादी के बाद होते हैं दो बच्चे, फिर उनके भाई साहब दो बच्चे, भाई साहब पूरा खानदान, अभी तक भाई साहब आंसर नहीं है, बस बस थैंक यू सर, सॉरी सॉरी आई आस्क द राइट क्वेश्चन टू द रॉन्ग पर्सन, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स होता है भाई साहब ए एक्स लॉग ए, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू सेवन माइनस टू बाई थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स रेज टू तो x अंडर रूट x है, तो मतलब x रेज टू 1 इंटू x रेज टू हाफ, तो x रेज टू 1 प्लस हाफ दैट विल बी इक्वल टू x रेज टू 3 बाई टू, तो ये हो गया भाई साहब आपका x रेज टू 3 बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 रेज टू 7, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा ax log a दैट इज 7x log of 7,
प्लस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू सेवन है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन है, तो कितना हो जाएगा ये एन एक्स एन माइनस वन, सो दैट विल बी सेवन एक्स रेस टू सिक्स माइनस यहाँ पे हो गया टू बाई थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू थ्री बाई टू, सो दिस विल बी एन एक्स एन माइनस वन, थ्री बाई टू माइनस वन, सो थ्री बाई टू माइनस टू दैट विल बी वन बाई टू, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये हो गया वन बाई एक्स, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आपको दे देगा जीरो, सो आपका आंसर भाई साहब क्या हो जाएगा सेवन रेस टू एक्स लॉग ऑफ सेवन प्लस सेवन एक्स रेस टू सिक्स माइनस भाई साहब यहाँ पे ये कैंसिल हम, तो दिस विल बी माइनस एक्स रेस टू हाफ, या हम यहाँ पे अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको कर रहा फटाफट, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू फाइव टैन एक्स है भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू फाइव फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स रेस टू फाइव डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे हो गया tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फाइव फाइव एक्स रेस टू फोर, सो ये हो गया x रेस टू फाइव sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे हो गया आपका फाइव एक्स रेस टू फोर tan x, ठीक है, दिस विल बी दी आंसर, क्लियरम 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 पीपलम, ठीक है, चलो भाई साहब इसको निपटाना है फटाफट फटाफट फटाफट, हो गया डन डन डन, तो आपका देखो यहां पे dy by dx कितना हो जाएगा, दिस dy by dx विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कितना हो गया आपका कॉस एक्स प्लस ये हो गया आपका साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो पहला तो आप पावर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे दैट विल बी टू
एक्स स्क्वायर प्लस टू टू माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, है ना। पहले पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फिर पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन किया, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे हो गया आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी टू एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ टू विल बी जीरो, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब इन टू टू एक्स, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच आ एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू इंटू टू दैट इज फोर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम एक दो तीन सवाल और ले लेते हैं भाई साहब। चलो भाई साहब ये वाला सवाल है, देखो यहां पे दिया हुआ है आपका एफ एक्स क्या है, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब भाई साहब इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, x रेस टू टू हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ जीरो इज इक्वल टू थ्री, एफ जीरो की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है थ्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में होगा वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे f0 की वैल्यू 3 है, मतलब क्या होगा, देखो f0 की वैल्यू अगर 3 है तो मतलब a इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस b इंटू जीरो प्लस c, इसकी वैल्यू 3 है ना भाई साहब, f0 की वैल्यू 3 है, ये f x आपका है क्या, f x की वैल्यू है a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए जीरो का स्क्वायर प्लस बी, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब थ्री, सी की वैल्यू हो गई भाई साहब थ्री, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, सी की वैल्यू हो गई थ्री। एफ डैश की वैल्यू टू है, ठीक है। एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन, अभी देखो एफ डैश मतलब होता है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बोलो आपका, यहां पर हो जाएगा टू ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा, समझ में आ रहा है भाई साहब, इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो यहां पर एफ डैश एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स सॉरी अपना बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी, तो भाई साहब यहाँ पे कितना आया आपका टू ए एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब बी, और इसका तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। अभी आप क्या बोल रहे हो, एफ डैश टू इज इक्वल टू थ्री सॉरी अपना एफ डैश टू इज इक्वल टू टू, तो f डैश टू का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, जहां पे भी x है वहां पे 2 डालोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a और ये 2 प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब 2, तो यहां पे हो गया आपका 4a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका इक्वेशन वा नंबर वा वन वा, ठीक है ओके। और इसी तरह से f डैश 3 इज इक्वल टू 12, f डैश x की वैल्यू ये है, ठीक है। तो f डैश 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 2 a और x की जगह पे क्या डालोगे 3 प्लस b और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12, ठीक है। सो आपका यहां पे हो गया भाई साहब 6a प्लस b इज इक्वल टू 12, ये हो गया भाई साहब आपका सेकेंड वा इक्वेशन वा, ठीक है। तो आप इसको कर लो भाई साहब, यहां पे आप लिख रहे हो 6a प्लस b इज इक्वल टू 12, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, इनको भाई साहब अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, 4 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 2a, ये हो गया कैंसिल, 2 माइनस 12 ये कितना हो गया माइनस 10, तो भाई साहब a की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है। अभी किसी इक्वेशन में डाल दीजिए भाई साहब यहाँ पे 4a प्लस b इज इक्वल टू भाई साहब कितना है 2a, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 5 20 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस 20 दैट इज माइनस 18, 4a प्लस b इज इक्वल टू 2,
तो 4a मतलब 4, 5 जा 20, 20 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू हो गई -18. दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट a एंड b. तो इसका मतलब आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, फाइंड एफ एक्स. भाई साहब एफ एक्स है क्या यहाँ पे, वॉट इज एफ एक्स वा पीपल वा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इसका मतलब ये हो जाएगा a, a का वैल्यू कितना है 5x square, ठीक है, प्लस बी एक्स मतलब -18x प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है. तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5x square माइनस 18x प्लस 3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, जाइए प्रस्थान कीजिए, जीवन का आनंद लीजिए भाई साहब.